ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में फिल्म अभिनेता गोविंदा की शुक्राना चादर पेश, सेहतयाबी, सलामती और लंबी उम्र की गई दुआ। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता गोविंदा के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में सेहतयाबी, सलामती और लंबी उम्र के लिए दुआ की गई। दरगाह के खादिम सैयद फराज चिश्ती ने गोविंदा की तरफ से ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत की चादर और फूल पेश किए। इस मौके पर अकीदतमंदों ने दरगाह की शाहजानी मस्जिद में खड़े होकर दुआ भी मांगी। गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता गोविंदा के पैर में रिवॉल्वर से अचानक फायर हो जाने से चोट लगी थी और गोली उनके पैर में चली गई थी, जहाँ अस्पताल में ICU में भर्ती रहने के बाद उनकी पैर से गोली निकाल दी गई और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ऐसे में अजमेर शरीफ में उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी गई। बता दें कि गोविंदा अजमेर शरीफ से बेहद अकीदत और आस्था रखते हैं। उनका परिवार अक्सर हाजिरी देने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर आता रहता है। गोविंदा जी एक्टर के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करी है, खैर सलामती के लिए, हुआ एक्सीडेंट होगा उसके लिए उनके दरबार में दुआ करी। मैं उनका वकील सैयद तहसीन चिश्ती का बेटा सैयद फराज चिश्ती, उनके खैर सलामती के लिए आस्थाने में दुआ करी सरकार ने उनके। वो गरीब नवाज ने उनको कई बार आपके आस्थाने में उनका बुलावा हुआ, गरीब नवाज ने अपना आस्थाने में उनको कई बार बुलाया, आए ज़ियारत करी उन्होंने। अभी उनका बुलावा नहीं हुआ, 2-5 साल से नहीं आ रहा है। उसके पहले वो लगातार आए गरीब नवाज में, ज़ियारत करी उन्होंने, मेरे साथ में गरीब है फराज भी है, उन्होंने सबने मिलके उनके लिए शाहजानी मस्जिद में खड़े होकर गरीब नवाज के गुम्बद इदरा के सामने दुआ करी और उनकी शुक्राने की चादर उनके आस्थाने में पेश करी है। हुजूर गरीब नवाज को सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाओ।